स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी सर। ये क्वेश्चन मैंने डाला था आप लोगों करने के लिए। सर ये वही कल वाला ही तो है जो क्लास में किया था। अच्छा हो गया ये? नहीं, ये मैंने दिया था 245 डिग्रीज, टू आपने कर लिया, ये हो गया आई थिंक। उसका सर सॉल्यूशन जो भेजा था वो गलत था शायद से हाँ कुछ। गलत था, गलत था, उसमें मैंने गलती कर दी थी। ओके ठीक है, ओके। एवरीबडी इज हैप्पी, ये है, ये आपकी पोजीशन क्या आ रही है, क्या पोजीशन आ रही है? खैर आने दो बच्चों को, आने दो। अच्छा सर इसमें आपने कोर्स बदल दिया था क्या? हाँ कोर्स बदल दिया था, कोर्स बदल दिया था ना मैंने, कोर्स और करंट भी बदल दिया था मैंने, नॉर्थ वेस्ट बाय नॉर्थ। सर मैंने तो वही क्वेश्चन समझ के उसी को दूसरे मेथड से कर दिया बस। नहीं ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके, लेट अस डू दिस वन। एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, जिसने नहीं किया है तो उसको कर देते, दूसरे मेथड से कर देते। एक तो भाई रन लगा के किया, रन लगा के हमने बोला ये आया है, कितना आ रहा है आपका? वी डू द सेम क्वेश्चन बाई अदर मेथड ऑल्सो, जिससे आप कॉन्फिडेंस हो जाए। ये ऐसा ही आ रहा है आपका, बताइए किसने किया है? एक हाँ जी सर ऐसा ही है, आंसर तो सही आ रहा है मेरा, यही आ रहा है, इसी टाइप का प्लॉट है एकदम। ये है आपका डिपार्चर 3 माइल फॉर्मेट, 3 सेंटीमीटर 3 माइल, डी लॉन्ग होगा 3.2 ईस्ट। वो गलती से हमने उस समय किसी का फोन आ गया था तो बाई वेंट टोटल वो वैसे लिख गया, और वे नेवर बॉदर टू चेक अगेन। इसीलिए बी केयरफुल, देखो नो बडी इज इनफेलिबल, वही अच्छा हमें। सर सर एक चीज़ और, ये एग्ज़ाम्स में जैसे हम ये टेबल बनाते हैं तो हम पोजीशन निकाल लेते हैं ना, पोजीशन टू ट्रांसफर, हाँ डीलैट और डिपार्चर निकाल देते हैं बाद में फाइनल, तो हाँ उससे हमें अलग से पोजीशन लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्टली बस अपने प्लॉट के अंदर वैसे करके मतलब पोजीशन बना ले, वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो नहीं लिखना पड़ता ना किसी का। नहीं भाई, आप मैंने जैसे जैसे कराया है आपको यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब मैंने क्या बोला, कंसीडर एग्जामिनर जली में जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख के दीजिए। आप बोलते नंबर कहाँ कटते हैं, यही नंबर कटते हैं। हाँ हाँ सर जैसे यहाँ पे जो जिस पोजीशन से पोजीशन लाइन प्लॉट की गई है ना वहाँ, उसके पूछ रहा था मैं कि उसके तो नहीं लिखने हैं। नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको आपने डीलर डिपार्चर लिया, उसको चीज ड्रॉ कर दिया भाई। इन दिस केस यदि जहां ट्रांसफर करते हैं, यहां तो बिकॉज इट इज विद इन दैट स्केल ना, हमारा जो हमने जो 10 मील का चार्ट जो बनाया है वो इसी में आ रहा है, तो हमको उसकी पोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली वो डीलर डिपार्चर प्लॉट कर देना है। देखो ये 3.93 साउथ, और ये जो यहाँ आ गया दूसरा यहाँ आ गया, सिंपली यू डोंट हैव टू राइट दैट। बट आप कैसे ले रहे हो वो तो जरूर प्लॉट करना पड़ेगा, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखिए, ये डिपार्चर दिखाइए, डीलर डिपार्चर दिखाइए, दैट्स ओके। ठीक है, ये डीलेट और डिपार्चर जो फाइनल पोजीशन वो यहां लिख करके दिखाओ। ठीक है, बोलते हैं ना कि नंबर कहाँ, 35 में 35 ऐसे मिलते हैं, व्हेन यू शो एवरीथिंग, अदरवाइज वो 2 4 नंबर 5 नंबर स्केल नहीं लिखे, 3 4 नंबर उसके 4 नंबर कट जाएंगे फॉर नॉट राइटिंग द स्केल, इसीलिए राइट डाउन एवरीथिंग। ये इसमें कोई प्रॉब्लम, ओके आगे सब ओके, 47 एवरीबडी इज कम ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, लेट मी गिव यू क्वेश्चन। या इसको पहले करना है इसमें भाई, दैट रन से मैं बता देता हूँ, एक बार रन से, यही है ना 245 डिग्री। ओके मान लो यू वांट टू डू इट बाई, चलो भाई हम रन लगा के ऐसे नहीं करके, वी वांट टू डायरेक्टली फ्रॉम डी आर, मैंने क्या बोला, ड्रॉ ए कोर्स, न्यू स्लाइड, एवरीबडी देयर,
डायरेक्टली रन लगाना चाहते हैं, वो भी तरीका है डायरेक्टली पे डीआर, तो हमने क्या बोला करंट है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ द, देख रहे कितने लोग हैं सब आगे ना, हाँ 46 सर, सर क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार प्लीज, आई शो यू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई, बाकी सब चीजें वही हैं, ओनली थिंग फाइंड द पोजीशन रेट, इफ द शिप वाज स्टेइंग 245 एंड 22 नॉट्स करेंट नॉर्थ वेस्ट बाय नॉर्थ, ओके नाउ व्हाट वी विल डू, सपोज यू वांट टू प्लॉट डीआर पे हम रन लगाना चाहते हैं, तो नेचुरली आप ऐसे रन लगा के ऐसे करो रॉन्ग आएगा, बिकॉज 6 नॉट का करंट 0.15 और 0.2 आएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट, और 1 नॉट होगा वो प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है, तो व्हाट वी डू, वी जैसे हम चार्ट वर्क में करते हैं वैसे ही हम यहां ड्रॉ करके वी विल फाइंड आउट कोर्स मेड गुड एंड स्पीड मेड गुड एंड वी विल यूज दैट फॉर प्लॉटिंग, ठीक है, विल यूज द, उसी में आप जहां आप मतलब उसी में साइड में यू शो दिस, नीचे दिखा दो या साइड में दिखा दो स्केल लेवल को, तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने सबने, नहीं सर लिख रहे हैं सर 2 मिनट, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है ना जो दिया था अपने होमवर्क में, लेकिन उसमें हमने सिंपल चीज क्या किया, ये चेंज कर दिया जस्ट फॉर यू, नॉर्थ वेस्ट बाय नॉर्थ क्या हुआ करंट निकालिए, सर 326.25 कितना हो, 326.25 हाँ 33.75 ओके 326.75, तो ये हो गया आपका कोर्स हो गया कितना 245 डिग्रीज 22 माइल्स नॉट्स हो गया आपका एक घंटे में, करंट है 326.25 ओके यस, ओके इज दैट ओके सर, बस एक मिनट और सर, ओके सर हो गया क्वेश्चन नोट हो गया, ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, वी फाइंड द, अभी वी नो द कोर्स, नाउ लेट अस फाइंड द कोर्स मेड गुड, बिकॉज़ वी कांट डायरेक्टली प्लॉट लाइक दिस, उसमें एरर आया है, कितना है ये 6 नॉट्स है, लेक्स हमारा हमने स्केल में आधे घंटे का लिया है, तो पहले लेट्स प्लॉट 245 डिग्री, 245 डिग्री आप ऐसे प्लॉट कीजिए, उसी शीट में आप हमने मैं आधे घंटे का ले रहा हूँ, तो यू कैन डबल कर दे, आप एक घंटे का ले सकते हो एज द केस में भी, ओके तो वी टेक अ शेप, डिस्टेंस कितना है, ओके सर हम डीआर ट्रांसफर करके कर रहे हैं, क्या हो गया, हम डीआर को ट्रांसफर कर रहे हैं ना सर, हाँ डीआर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डीआर को ट्रांसफर कर, पहले तो कोर्स मेड गुड, क्योंकि करंट लगाओगे ऐसे, मान लो आपने करंट ऐसे लगाया तो ये गलत हो जाएगा, लेट अस फाइंड द कोर्स मेड गुड एंड देन उससे लेकर करेंगे, ठीक है, तो पहले लेट अस प्लॉट द कोर्स, कोर्स क्या था, एक मिनट निकल गया, लेट मी टेक अगेन, इंसर्ट शेप हमने ये लिया, डिस्टेंस कितना हमने, मैं आधे घंटे का ले रहा हूँ, तो वील टेक अबाउट दिस इज जीरो, ये है आपका 11 सेंटीमीटर,
22 knots है तो 1171 mile. अभी हमको इसमें डायरेक्शन कितना है 245, हमने 245 मेजर कर लीजिए, आप लीजिए 245 डिग्री, ये आपका कोर्स टू स्टीयर, ठीक है, कोर्स टू स्टीयर। अब हम इसमें करंट लगाते हैं, करंट क्या है, लेट्स टेक अंदर वन, करंट कितना है बताइए, करंट इज जीरो किया 6 knots, मैं आधे घंटे का ले रहा हूं तो दिस इज अबाउट 3 centimeter, करंट क्या है, कितना निकाला था हमने 326.25, ठीक है, ये आपका करंट आधे घंटे का, कोर्स मेड गुड, यू नो दैट अप टिल नाउ यू प्रैक्टिस, तो आप यार क्या करोगे सीधे यहां से, ये आपका कोर्स मेड गुड है, दिस इज कोर्स मेड गुड, मेजर कर लीजिए, लेट अस मेजर दिस, मैं इसको चेक करता हूँ, 59.5 आ रहा है बीच में, 59.5 सबका चेक कर लो, हाँ 259 होगा 70, हाँ 259.5, 260 आ रहा है सर, ठीक है 260 ले लो, 260 डिस्टेंस कितना है, मेजर डिस्टेंस सर, स्पीड मेड गुड आ रही है सर 24 knots, नहीं यार स्पीड कम होगी, 23.6 आ रही है सर, ज्यादा सर मतलब वही 23.7 आ रही है, राउंड ऑफ करके 24 आ रहा है, ओके 23.6 ही ले लो, 23.6 knots, ठीक है ओके सर, 23.6 knots आ गया आपका, कोर्स कितना बताया 260, ठीक है यही है ना, ओके अब सब सिंपल है, हमने सॉरी कहाँ गया, हमने यहां लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मार्क किया, ये आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो DR है, ठीक है लैटिट्यूड क्या है, तो हम उससे रन लगाएंगे कितना लैटिट्यूड है, ये बंद कर देते हैं, लैटिट्यूड 22.37, 02847 वेस्ट, 22.37, 02847, 02847, ठीक है अब हमारा कोर्स क्या है 260 ले रहे हो, 260 है ना, बताइए 260, ओके स्पीड कितना है 23.6, तो 20 मिनट में कितना जाएगा, कितने मिनट का है, सॉरी 20 मिनट का है ना, 1740 1750, 1800, 23 ना, 10 मिनट, कैलकुलेट कीजिए कितना है, कितना है बताइए 260, तो हम यहाँ मेरा इससे मेजर हो रहा है ये 260 हो गया, ठीक है 260 कितना है, 3.9, ओके 3.9, 10 मिनट का लेना है,
मेजर कीजिए 1, 2, 3, 3.9 यहां से ये आपका DR होगा यहां से आप इंटरसेप्ट ड्रॉ करेंगे इंटरसेप्ट क्या है बताइए इंटरसेप्ट क्या है बताइए कितना इंटरसेप्ट दिया 5.1 टुवर्ड्स 129 5.1 टुवर्ड्स 129 5.1 टुवर्ड्स तो 5.1 टुवर्ड्स 129 क्या हुआ 129 मुझे तो ये आप ले लिए पोजिशन लाइन 0.39 होगी लेकिन हमको यहाँ से ले हाँ यहाँ से मुझे यहाँ से लेना तो आप लीजिए 39 क्यों हमारा ये 0.5.1 है ना ओके 38.39 ओके मेजर कीजिए 5.1 1, 2, 3, 4, 5, 5.1 ये ना देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5.1 यहाँ ओके यहाँ से पोजीशन लाइन कितना होगा पोजीशन लाइन है हमारी 39 तो 39 आपने पहले 260 की ड्रॉ करी है ना उसके बाद किक भाई प्लीज बता दोगे क्या हो गया पहली लाइन हमने 260 की ड्रॉ करी है 260 की ड्रॉ की है ये आपका जो पहले जस्ट मैं यहां बता दूं कोर्समेंट गुड आया पहले ये 1750 की ये पोजीशन थी कितने बजे की थी 1750 की हमने रन लगाया 260 का 260 जो भी डिस्टेंस आया 3 पॉइंट जो भी लिया था आपने काट दिया वहां शिफ्ट वहां से हम ये पोजीशन लाइन शिफ्ट करते हैं तो इसकी पोजीशन लाइन क्या होगी 039 मतलब 90 - 39 51 क्या हो गया फंस गया 51 डोंट सी दिस हमारा क्यों हम उससे पैरेलल लैटिट्यूड से हमारा आ रहा है आप ऐसे मेजर कीजिए 51 60 39 ओके स्टेटमेंट गुड क्या आई थी सर ये कितना कितना 23.6 लिया था ना हां सर 23.6 आ रही है सर ओके ये आपकी पोजीशन लाइन होगी फर्स्ट पीएल वी ट्रांसफर्ड यू विल शो दैट कि ये पहले मैं निकाल दूँ ये जो एक्स्ट्रा है उसको जो ठीक है सब निकल जाए रुको एक मिनट ड्रॉ सबने ड्रॉ कर लिया सर अब इसको भले स्पीड में गुड निकाल के कर लें भले वो डीलर डिपार्चर से कर लें बात तो वही है ना बात वही है मैं दोनों मैं बता रहा हूँ कि दोनों मेथड में कोई भी विच एवर यू फील कंफर्टेबल वो दिखा मैं इसलिए दोनों में कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही आई एम डूइंग एक मैसेज करा के मैं चुप बैठ जाता लेकिन नहीं आई वांट योर कॉन्सेप्ट टू बी क्लियर ओके आप कैसे भी कीजिए ओके नाउ लेट्स टेक द अदर वन कितना होगा 13 मिनट्स कितना हुआ 23.6 से 13 मिनट्स कितना हुआ 23.6 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 13 5.1 तो 5.1 हम किधर ट्रांसफर करोगे 5.1 हम 260 में 5.1 मेजर करो ठीक है 5.1 लीजिए 1, 2, 3, 4, 5.1 हेलो सर हाँ बोलिए सर हम 10 मिनट जो पहले वाली है 1750 वाली वो वाली ट्रांसफर कर रहे हैं ना देखो पहले हमने 10 मिनट वाली 1750 वाली ट्रांसफर की है एट 1800 ये वाली
अब दूसरी वाली बैक रन लगाओगे ना 18-13 पे है, कितने है 1750 एंड 1830। तो सर हम पहले 1750 वाली पे बैक रन लगाएंगे ना, ना बैक रन क्यों लगाओगे यार सर, 1750 बैक रन क्यों लगाओगे, आपको फिक्स कितने बजे चाहिए, फिक्स कितने बजे चाहिए 1800 सर, तो आगे जाओगे पीछे जाओगे। तो सर हमें, हमको 1800 की दी हुई है, तो सर हमको अभी 1750। होल्ड ऑन ये जस्ट राइट, एक मिनट थोड़ा रुकिए, इन लोगों को समझाने दीजिए। हमारी 1800 की डीआर है, जस्ट रुकिए, लेट मी मेक इट बी, दिस इज अ बिग कंफ्यूजन, इसको मैं, लेट मी क्लेरिफाई दिस सर, एक बार फिर से बता दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। हाँ एक मिनट, हमारा क्वेश्चन पढ़ो, एट 1800 डीआर दिस वाज, 1800 सर्टेन डीआर वाज फॉर्मड, एट 1750 यूजिंग दिस डीआर यू मेड एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है 1750 You made an observation. Okay. ये आपका 1800 के DR है, आपका 1750 की ये observation है। मान लो कि ये, sorry, ये इधर नहीं होगा, ये उल्टा है ना, वो उसको ही draw करना चाहिए। ये 1800 की DR है और हमारी observation कितने की, 1750.1 towards 129, ये कितने की position, 1750. Now tell me where are you on DR or position line? You are on DR or position line? Sir, position line. Position line. What relation do you have with the position, with the DR? Sir, azimuth. Azimuth or? Intercept. Well, you are shown from this DR from 22 degree 37 minute and 28 degrees 47 minutes west. You are 5.1 miles towards this 129 degrees. You are here on somewhere on this line. Okay. Are you related with the time or with the position of the DR with this position line? How the position is related to this position? 22, with the time or with DR? Yes, sir. With the time or with the this position? Position, sir. So time is 2300 DR hai, or you have used this site. So does it make a difference, this 2300 or 1800 or 2000? What we are interested in, this latitude, longitude. Again, now once you take the site, it automatically, because aapne at 1740, using this DR, you have calculated the intercept. This automatically becomes DR for this position line. Wo confusion ke liye aapko 1800, isi mein sab log, jaise aap, you got confused. 1800 is a DR. Is it your fixed? Position. Have you made an observation and then you plotted that DR? Haan, naam jawab dijiye. No, sir. DR. No. Hamari observation ye hai. At 1750, you are so many 5.1 miles towards towards the body at 129 azimuth. So hum, we are only related to DR, not with the time, with this position. तो यदि हम रन लगा रहे हैं तो हम इस डीआर पे, बिकॉज और इस डीआर से यू आर सो मेनी माइल्स, यहां 1750 इतना कोर्स किया तो आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, ये अभी तक करते रहे तो यही तो कर रहे हैं हम लोग। 1800 डीआर, दिस डीआर 1800 हैज नो बेयरिंग, व्हाट हैज बेयरिंग, दिस पोजीशन, दिस हैज नो बेयरिंग, दिस हैज नो बेयरिंग, दिस पोजीशन हैज अ बेयरिंग, इस पोजीशन से आप 5.1 माइल्स टुवर्ड्स हो, तो हम रन लगा रहे हैं उस डी है, तो ऑटोमेटिक, एज आई सेड, मैंने पहले भी बताया कि दिस, एक बार आपने साइट ली, कोई भी कहीं भी, मिडनाइट, अगले दिन, परसों दिन, कभी का डीआर लिया, वंस यू हैव टेकन द साइट, इट ऑटोमेटिक बिकम द डीआर फॉर दिस पोजीशन, आपकी पोजीशन, पोजीशन लाइन इससे 5 मील दूर है तो हम उस पर रन लगा रहे हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? यस सर। तो डोंट नॉट बी कंफ्यूज, वो मिडनाइट लिया, एंड ये आप ही नहीं, फेज वन में भी गलती लोग करते हैं, दिस इज योर डीआर, इट्स नॉट योर पोजीशन, पोजीशन तो ये है, ये पोजीशन लाइन मिली है हमको, जहां दो पोजीशन लाइन कटे करेंगी, कब होने चाहिए, एट द सेम टाइम, हमको चाहिए 1800 फिक्स, सो वी आर ट्रांसफरिंग दिस, कहां से ट्रांसफर करेंगे, तो हम डीआर पे रन लगा करके, हम डीआर पे रन लगा करके कर सकते हैं, या आईटीपी से रन, हम इसको यहां पॉइंट ये लेकर यहां से इंटरसेप्ट लेगा, हमने आईटीपी से किया तो हमको डायरेक्टली, हमको यहां से ये पॉइंट मिल गया,
डायरेक्टली आईटीपी जो किया है। अभी हम डीआर पे रन लगा रहे हैं तो हम यहां से इंटरसेप्ट पैसे ड्रॉ ये ले रहे हैं। कितने बजे ट्रांसफर हुआ 1800 डबल जीरो, इज दैट क्लियर? सर मेरे को कंफ्यूजन सर, ये अपना 1800 का हमको डीआर दिया हुआ है तो हमने जो करंट दिया वो इसमें लगा दिया है, तो हमें सर 10 मिनट बाद तो 1810 की पोजीशन मिल जाएगी ना। होल्ड 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 ऑन, यू आर अगेन कंफ्यूज, होल्ड ऑन, यू आर कंफ्यूज। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी सर पढ़ ली। 1800 ओके, एट 1700 एट 1750 यू हैव मेड ऑब्जर्व यूजिंग दिस डीआर। ओके तो 1750 ऑब्जर्वेशन के डीआर क्या है वो निकालनी पड़ेगी ना सर। कैसे निकालनी पड़ेगी? जब इसी साइड को लेकर कैलकुलेट किया गया है तो इसकी डीआर क्या होगी? भाई दीज ऑब्जर्वेशन मेड बाय यूजिंग दिस 1750 पे बोला लिया एट ऑब्जर्वेशन, तो अपनी डीआर तो चेंज हो जाएगी ना सर करंट लगने के बाद। एक मिनट होल्ड ऑन होल्ड ऑन। 1750 को दे हैव मेड एन ऑब्जर्वेशन यूजिंग विच डीआर सर? 1800 दिस डीआर। बोथ यूजिंग 1800 डीआर। तो ये इस 1750 की डीआर कौन सी है बताइए? 22 डिग्री नॉर्थ 37 मिनट्स नॉर्थ, 028 डिग्री 47 मिनट्स वेस्ट। 22 डिग्री 37 मिनट्स नॉर्थ, 028 डिग्री 47 मिनट्स वेस्ट। किसकी डीआर 1750 की? फिर दोनों की सेम ही होगी ना 1750। कोई बात नहीं, उससे क्या है, उससे क्या है? आप पहले पोजीशन लाइन करो, पोजीशन लाइन का लेट्स टेक कंसीडर फर्स्ट पोजीशन लाइन। ये तो आपने निकाल लिया, इसको मैं निकाल देता हूं। ये आपने 23.6 निकाला, गुड यू पॉइंटेड आउट, अदरवाइज मैं कंफ्यूजन आगे बढ़ रहा ऑलमोस्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज कोई डाउट हो कम टू मी इमीडिएटली। ये बहुत बड़ा एरर है भाई। ये डीआर है उससे हमने 1750 के, फॉरगेट अबाउट 1800, आपने ये पोजीशन से ये डीआर ड्रॉ की है। तो ये कब की डीआर हुई? इस पोजीशन की डीआर कौन सी? ये है। तो आप रन लगाओ, या तो पोजीशन लाइन पर रन लगाओ या डीआर पर रन लगाओ। डीआर पर रन लगाओगे तो आप इंटरसेप्ट डाल करके पोजीशन लाइन ड्रॉ करोगे। ये बताया था कि नहीं हमने? हाँ जी सर। पर ये मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को, बी अंडरस्टैंड। वो मिडनाइट ये हम लिखते 2400 डीआर, हमने यदि 2400 है हमने साइट इसे लिए, ऑटोमेटिक बिकम डीआर फॉर 1750। आपने इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हो तो क्या करते हो आप? इंटरसेप्ट कैलकुलेट देखो, गो बैक टू मेथड। क्या करते हो आप? एलएचए निकालते हो, उसमें लॉन्गिट्यूड लगाया, एलएचए निकाला, फिर उसमें लैटिट्यूड और लगा कर यू गेट ए पोजीशन। तो फ्रॉम दैट पोजीशन यू गेट एन इंटरसेप्ट एट 1750, यू आर सो मेनी माइल्स ऑफ। तो ये डीआर कब की हुई बताइए? नाउ 1750 की ऑब्जर्वेशन किया तो कितने बजे की डीआर है ये नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? 6 बजे की है सर। 6 बजे भूल जा, आपने साइट कितने बजे ली है? 1750 पे ली सर। हाँ तो ऑटोमेटिकली बिकम डीआर फॉर द 1750 और नॉट? हाँ जी सर। रिमेंबर दिस, एक बार कितने भी दो दिन रात के हफ्ते भर बाद की डीआर ली हो, दे दिया हो आपको, यदि साइट उस समय लिए तो अपने ऑटोमेटिकली बिकम डीआर फॉर दैट साइट। ये चीज थंब रूल बना कर याद करो, आपने साइट कितने बजे ली, किससे लिए, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड से? वही लिया कि टाइम यूज किया आपने उसमें? इंटरसेप्ट कैलकुलेट में कहीं टाइम यूज किया है डीआर वाला? अब जीएमपी का टाइम जीएचए के लिए यूज करते हैं और नहीं लिया। तो हम खाली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूज करते हैं, तभी तो आता है हमको। एलएचए यूज करते हैं, फिर उसको फार्मूला लगा के कैलकुलेट जेनिथ डिस्टेंस जो निकालते हैं वो किस क्या क्या डाल के करते हैं भाई? लैटिट्यूड डाल के करते हैं वो फार्मूला। तो विद दिस लैटिट्यूड दिस लॉन्गिट्यूड यू आर, यदि ये सही होते तो पोजिशन लाइन यहाँ से पास हो, लेकिन यहाँ पास हो रही है। तो दिस बिकम्स आपकी इस पोजिशन से एट 1750 यू आर हियर। तो ये डीआर कब का हो गया? अभी 1800 का डीआर था, मिडनाइट का डीआर, दैट इज एट एज ऑफ नाउ, ये कब का डीआर है बताइए? जवाब दो सर। डीआर तो 1800 का ही रहेगा ना सर, वो पोजीशन लाइन 1750 नहीं, वो पोजीशन लाइन 1750, लेकिन आपका डीआर किसे कैलकुलेट किया है? डीआर किसे कैलकुलेट किया है?
सर सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस है। आपने ये जो एक मिनट आपने जो सॉरी ये इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया किसे किया है आपने? किससे किया? इस पोजीशन से। ओके कितने बजे कैलकुलेट किया है? 17:50 तो दिस ऑटोमेटिक बिकम डीआर फॉर दिस पोजीशन। फॉरगेट अबाउट दिस। लिखा होता यदि आपने 1750 को उसको लेकर ऑब्जर्व किया तो इट ऑटोमेटिक बिकम्स डीआर फॉर दिस पोजीशन। फॉरगेट और कुछ मत कुछ सोचो। दिस ऑटोमेटिकली बिकॉज आपने ये जो कैलकुलेशन के इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेकर की है दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स डीआर फॉर 1750। इस क्वेश्चन में यही कैच है। मेजोरिटी ये मिस्टेक 1800 डीआर लेके 18। ये चीज याद ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? जब आपने साइट लिया कभी कितना भी टाइम का डीआर लो यदि उस पोजीशन को साइट में लिया है ये साइट कैलकुलेट की इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया है तो ये ऑटोमेटिक डीआर फॉर दैट साइट। सिंपल कितने बजे की 1750 की। ठीक है सर समझ गया। ये चीज समझ गया ना। सेम थिंग 1813 में ऑटोमेटिकली हमारी डीआर हो जाएगी और 1813 की हो जाएगी ऑटोमेटिकली। This okay. has DR has no time has no bearing. We are interested in this position. Is that clear? Clear sir, clear. Always interest. जो भी site लिया हो चाहे long by count यदि वो कितने बजे की DR दिए हो automatically becomes DR for that site. आपकी reference में वो latitude longitude आएगा calculation में। तो हमने जो site ली है when we come to this site हमने क्या है 1750 की site ली थी यहाँ थी यहाँ तो हमने ये डी आर ऑटोमेटिकली बिकम उसका डी आर हो गया। यदि हम रन लगाते इस पोजीशन लाइन तो हमको ये पॉइंट मिलता। यदि आई टी पी पर लगाते यदि हम डी आर पर लगाते तो हमको ये है यहाँ से इंटरेस्ट बात डालेंगे। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर ये तो क्लियर हो गया लेकिन 10 मिनट के लिए क्यों लगाया हमने ये जो अपना करंट लगा हमको फिक्स कितने बजे चाहिए? 1750 कितने बजे लिखा है बताइए? 18 कितने का मान लो 1813 बोलता तो 13 मिनट का रन लगाते बल तो 1830 होता तो हम 30+10 40 मिनट का रन लगाते। अभी क्वेश्चन सेज फाइंड द पोजीशन एट 1800 तो 1750 को पोजीशन लाइन को कितने बजे ट्रांसफर करोगे? कितने बजे ट्रांसफर करोगे? 1813 तो अब हमारा जो इंटरसेप्ट लगेगा वो किसे किसे ड्रॉ किया है? आपने 1813 पे ड्रॉ किया है कितने क्या है व्हाट इज द लेट मी गो टू 2.1 अवे 048 तो हमारी एड्स जस्ट टू शो यू ये 1813 पे ये 048 पे 2.1 अवे है। कितने बजे? 1813 पे। कोर्स क्या है? 260 तो हम क्या बैकरन लगाएंगे बिकॉज हमको 1813 से 1800 पे जाना है पीछे जाना है तो बैकरन की लगेगा कितने मिनट का? बैकरन कितने मिनट का लगेगा? 13 मिनट का सर। 13 मिनट का। यदि आईटीपी से मैसेज करते तो हम यहाँ से यहाँ कहीं कहीं यहाँ आते हम यहाँ ये पोजिशन लाइन चिप जो हमने किया है अभी पहले। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर क्लियर। अभी अभी क्या करो अभी नाउ लेट अस हमने 5 माइल्स का ले लिया है अब वहां से इंटरसेप्ट को हम डीआर पे रन लगा रहे हैं। एक मिनट ये निकाल दूं पहले जो भी ओके ये बहुत बड़ी मेरे को दिस मिस्टेक रिमेन अच्छे मैं आई एम शोइंग फेज 1 में फेज दे हैव दिस प्रॉब्लम एंड उसमें कुछ नहीं सीधे जीरो नंबर मिलता है इस पे नो क्वेश्चन आप कैसे प्लॉट करो जहां आपने ये गलत किया वो जीरो नंबर रिमेंबर। सर आपने ये जो 260 डिग्री की तरफ जो लाइन बनाई है वो 3.9 सेंटीमीटर की बनाई है ना ये वाली। हाँ कितना दिया था जिस पे आपका कर्सर मैंने खींच लिया था 3.9 और जो भी खींचा हुआ है और सर उसके उधर साइड वाली 5.1 की बनाई है 5.1 की बनाई है।
अब यहां से हम डीआर को ट्रांसफर कर देंगे, डीआर पे पीएल डालें तो एक पर लाइन खींचिए, ये आपका एक एक मिनट प्रॉब्लम है। यहाँ लैटिट्यूड यहाँ डालिए, हाँ ये लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ओके, अब यहां से इंटरसेप्ट पर 048 2.1 अभी तो 048 मतलब कितना हुआ 228 सर, 228 तो ड्रॉ कीजिए तो हमारा होगा 90 minus 48 42 तो जीरो सॉरी टू पॉइंट कितना 2.1 है यस सर 2.1 हिल जा रहा है बट डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपने हिसाब से ये थोड़ा ऊपर जाएगा। ओके, पोजीशन लाइन क्या होगी, पोजीशन लाइन क्या 318 हां जी सो 138 और 318 318 तो 318 मतलब 270 माइनस 318 और सॉरी 48 का तो हम 48 ले लेंगे। थोड़ा सा ये हिल गया है, इसको यहाँ से होना चाहिए, तो खैर एनीवे ये आपका सेंटर पोजीशन, देखो उससे भी यही आया है, तो यहाँ आ रहा है ना आपका फिक्स। सर आपने फर्स्ट पीएल के बाद क्या किया था, सेकंड पीएल को ट्रांसफर किया ना, फर्स्ट पीएल यहाँ से ट्रांसफर किया टू, हमको 1750 से 1800 जाना है तो 10 मिनट का रन लगाया, ये डी आर आया, यहाँ से हमने इंटरसेप्ट डाला, पोजिशन लाइन डाल दी। ओके, फिर अब दूसरी पोजीशन लाइन को भी तो 1813 को भी 1800 शिफ्ट करना है, वो यहाँ थी एट 1800 कितना था 048 हाँ ये ऐसे थी, ये थी, इसको भी तो ट्रांसफर करना है कितने बजे 1800, तो क्या करो बैक रन जाओगे कि नहीं, अच्छा बैक रन जाओगे कि नहीं पहले ये बताओ। ये सर 13 मिनट्स, हाँ 13 मिनट बैक रन, यदि हम वही ITP से करते तो हमको ये पॉइंट डायरेक्टली मिल जाता, ये डीलर डिपार्चर आप देख लो, हमने प्लॉट करके दिखाया, देखिए yes, ये है कि नहीं, आप देख, अब हमने इससे किया भी से, नाउ मेजर कर लो डिस्टेंस कितना आ रहा आपका, मेरे तो हिल गया है 1 2 3 3 में 3.15 ठीक है 3.1 देखो आपने पहले जो किया था उसमें भी देखो कि मैंने किया हुआ है, देखो ये मेजर करके देखो ये दो, ये हमने ITP मेथड से जो किया है डीलर डिपार्चर लेके, देखो ये देखो 3.1 है, आप देखो 3 आया, यहाँ ऊपर 3 आया, देखो सर डी लॉन्ग लॉन्गिट्यूड डी आर लॉन्गिट्यूड कल का नीचे आ रहा है ना सर फिक्स, कौन सा सर 0.6 सेंटीमीटर नीचे आएगा, ये फिक्स नीचे आएगा सर, ठीक है आपका नीचे आ रहा है, ठीक है 0.6 ओके, जो आया वो लिखो 0.1 आ रहा है सर नीचे मेरे, ठीक है 0.1 ये पोजीशन ये है, ये पोजीशन सर डिपार्चर 3.25 चलेगा 0.1 0.2 डजंट मेक अ डिफरेंस। आपका कितना आया डिपार्चर, हमारा 3 में आया है, 3 में आया है, 3.1 आ रहा है, 3.1 आ रहा है, देखो स्केल के सामने, देखो आपके सामने स्केल है, मैंने रखती है स्केल, मेरा 2.9 आ रहा है, ठीक है दैट्स ओके। जो एरर होती है क्या होता है कि आप लोग जैसे थोड़ा बहुत पोजीशन लाइन टेढ़ी हो गई या वो हो गया, इसीलिए यूज दैट 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर, ये छोटा वाला उसमें बहुत गलती होती है, ये एरर आती है, जो छोटा वाला जो डी यूज करते हैं ना उसमें ये टिपिकल प्रॉब्लम आती है। देखो कितना आ रहा है हमारा, देखो ये क्या आ गया, इसको निकाल दे पहले,
देखो आपके सामने ही मैं मेजर कर रहा हूँ, देखो ये कितना है, मेजर करो कितना है, 1, 2, 3, 3.1 यू कैन से 3.1 है कि नहीं? अरे दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। तो इसी वट एवर वे यू फील कंफर्टेबल, या तो रन लगा कर लो इफ यू फील कंफर्टेबल, कहां रन लगाओ, वहां से आईटीपी पे, आईटी से फॉरवर्ड रन और बैक रन एज द केस में भी, और सिंपली यू ड्रॉ द कोर्स पहले करंट, करंट यदि इट बिकम इजियर इफ देयर इज नो करंट, करंट दिया है कैलकुलेट उसको रन ड्रॉ करके जैसे हम लोग चार्ट वर्क में करते हैं करंट ड्रॉ करके, ये कोर्स नोट गुड एंड सेफ, क्योंकि इसको यदि आप उसमें लोगो 10 मिनट में तो आपका एरर आएगा, बहुत पोजिशन इधर उधर होगी। तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट कोर्स मेड गुड एंड स्पीड मेड गुड एंड वी यूज दैट फॉर ट्रांसफरिंग द पोजिशन लाइन, इज दैट क्लियर? यस सर। सो सर मतलब इसमें एरर की चांसेस कम है? चांसेस कम, बोथ वे, बोथ वे। यदि आप ऐसे करके करो, मान लो आपने डाला कोर्स डाला, अब इसमें क्या हो भाई, यहाँ लिया अब ये इतना लिया, अब बताओ इसमें कैसे मुश्किल हो जाएगी नहीं आपको? नॉर्मल कोर्स में तो ज्यादा दूरी है तो यू गेट अ बेटर पिक्चर। तो इसीलिए पहले फाइनल आंसर कितना है, वो 0.1 मेरा साउथ आ रहा है तो इसका कितना हुआ 0.1, और उसको 3 मिनट्स को कन्वर्ट करो डी लॉन्ग में, ये आंसर आएगा आपका। हाँ गया, एक मिनट वो ये लो, उसको मैं स्केल करूँ, कितना है 3.2 आया, डीलेट का डिपार्चर ये 3.1 और 3.3 जो भी आ रहा होगा इतना करीब, इसके करीब आ रहा है तो ठीक है। सर 43.6 चलेगा ना सर? चले चले, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सर एक बार इसकी वो कैलकुलेशन वाली टेबल भी दिखा दीजिए, ये वाले मेथड से जो सीएमजी वाला मेथड था, ये इफ टू पोजीशन ट्रांसफर फर्स्ट पीएल एट 1800 एंड पोजीशन ट्रांसफर द सेकंड पीएल एट 1800, ये बैक रन लगाया, सब कुछ बैक रन लगाया एक्सेप्ट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पे बैक रन ले लगता है। हाँ जी सर। सर एक बार वो नॉर्मल रन वाली भी दिखाइए जरा। हाँ एक सेकंड, ये हो गया सर, हो गया। ये आपका बैक रन है, आपको देखो वही पोजीशन एकदम, देखो दोनों, इसीलिए मैं दोनों करके दिखा दिया, विच एवर वे यू फील कॉन्फिडेंट, दूसरा यू गेन कॉन्फिडेंस। ये करने से क्या होता है, जैसे आई फाउंड आउट कि स्टिल पीपल हैड डाउट, रिमेंबर वो मिड नाइट दो दिन बाद की, एक हफ्ता पहले की, यदि साइट उस पोजिशन ली है ऑटोमेटिकली दैट बिकम डी आर फॉर योर पोजिशन लाइन, सिंपल, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये क्वेश्चन डेलिबरेटली 1800 या 2000 दिया है सो दैट यू गेट कंफ्यूज, इट इज अ डी आर, इट इज नॉट योर पोजिशन, यू आर मेकिंग अ कोर्स, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, ये डी आर है, आपने रन लगाया यहाँ डी आर लगा दी, कोर्स एंड स्पीड, इज इट योर पोजिशन, यू आर समवेयर अराउंड दैट, नाउ व्हेन यू मेड ऑब्जर्व यू गॉट अ पोजिशन लाइक दिस, ऑटोमेटिकली ये कभी का डी आर हो, वी आर रिलेटेड ओनली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, नॉट द टाइम, टाइम ये होगा जो ऑब्जर्वेशन किया वो टाइम होगा, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डी आर का नहीं काउंट किया जाता है, जो भी सॉरी टाइम फॉर द डी आर इज नॉट काउंटेड, ओनली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड काउंटेड, ये चीज याद रखो, इज दैट क्लियर? सर एक बार फाइनल आंसर और दिखा दीजिए, फिक्स पोजीशन जो आई, हाँ ये यही पोजीशन आएगी ना, ये उससे भी करोगे तो वही चीज आएगी, पोजीशन वही कट करेगी, ये 22 सर अगर अवे है तो लगाना पड़ेगा ना सर, जैसे इस केस में क्या होगा, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। आपने बोला ना सर इंटरसेप्ट में बैक रन नहीं लगेगा, भाई आप सिंपल एक मिनट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मान लो ये इंटरसेप्ट है, आप को ट्रांसफर क्या करना है, ये पोजीशन लाइन ना? यस सर। ओके, तो इसका मतलब हम यहां आएंगे, यहां से बैक रन लगाएंगे तभी तो जाएगा, या डीआर पे बैक रन लगाओगे तो हम इंटरसेप्ट तो डाल ही रहे हैं। यस सर। आईटीपी लगाओ तो हम यहां आएंगे, यहां से आईटीपी से बैक रन लगाएंगे, हम पोजीशन लाइन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसीलिए कई बार लोग इसको भी बैक रन लगा, नो
ये यहां से पहले यहां आओ, उसके बाद डीआर पे क्या होता है, हम लोग डीआर पे हम लोग रन लगाते हैं लेकिन इंटरसेप्ट को तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन मान लो ये इंटर ये बैक रन लगाया, मान लो इंटरसेप्ट यहां है, तो हम यदि यहां से आके इस पे रन लगा के हमको ये पॉइंट मिलेगा यहां से, बात समझ रहे हो? क्लियर करिए, देखो ये आपका इंटर, हमको आईटीपी पॉइंट आईटीपी पे रन लगा तो यहां से ये पॉइंट मिलेगा, ये तो यहां से आईटीपी इस पे बैक रन, इस पे यहां आईटीपी पे आते उसके बाद बैक रन लगाओ, आईटीपी पे आके तब बैक रन लगाओ, इज दैट क्लियर? यस सर। तो आप दोनों नहीं समझे तो मैं फिर से समझाऊं। नहीं समझ गए सर। जवाब दो ना, then it becomes easy for me to clear। सर पहले जो है 1750 का प्लॉट करना जरूरी है क्या, जैसा अभी किया है 1830 से हम लोग नहीं शुरू कर सकते? 1830 कहाँ दिया हुआ बेटा? 1830 ना, 1830 को पहले प्लॉट कर दो, दूसरे को भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप कैसे भी ट्रांसफर करोगे, दोनों ट्रांसफर करें तो वहीं आएंगी भाई, पहले हम उसको करते हैं डीआर से, हमने पहले बैक रन लगा दिया 1813 से 1813 से 1800, उसको कर लो फिर दूसरे को कर लो, क्यों यहां हम लिख नहीं रहे हैं, यहां हम डायरेक्टली प्लॉट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज विद इन द शीट, हाँ बाहर रहता तो बात दूसरी होती, देन वी हैव टू कैलकुलेट डी लेट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मगर ये तो इसी शीट के अंदर आ रहा है ना, तो वी कैन डायरेक्टली प्लॉट डी लेट डिपार्चर और जो रन जो भी लगा के, बिकॉज ये बाहर नहीं जा रहा, ये शीट जो आपने चार्ट किया है उसी के अंदर है, इज दैट क्लियर? हाँ सर ठीक है, अगली सर अगली बार सर उस तरह कर देंगे, तो मैं फिर से समझाऊंगा, यू नीड बी संडे को मैं क्लास ले लूंगा इफ यू नीड बी, अभी वैसे है क्लास हमारी कल आपके साथ, ये क्लियर हो गया? सर ये सेकंड पोजीशन लाइन वाली टेबल दिखा दीजिए सर थोड़ा, कौन सा सेकंड मेथड, ये सेकंड पीएल के लिए सर, ये सर ये तीसरा मेथड हो गया करने का ना, एक तो है भाई आपने एक जो हम लोग चार्ट वर्क में करते हैं, मान लो ये पोजीशन लाइन ड्रॉ की है, कोई पॉइंट लिया रन लगा दिया है कि नहीं, कोई पॉइंट लिया रन लिया, मान लो ये यहां रन लगा दिए इस पे, ये तो पहला मेथड है, दूसरा कैलकुलेट करके हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं आईटीपी लगा करके, हम वी गेट दिस पॉइंट, तो यहां से पोजीशन लाइन ट्रांसफर कर दी, तीसरा है कि हम डीआर पे ही रन लगा करके एंड देन ये थर्ड मेथड, तीनों मेथड से वही चीज आएगी, वी प्रेफर सेकंड एंड थर्ड मेथड, समझ गए? चार्ट पे होता है वो, तो चार्ट पे ही होता है ना, वो चार्ट भाई, तो आप चार्ट ही क्रिएट, मान लो एक सिंपल जी, ये इसमें जो चार्ट आपने क्रिएट किया है, आप चार्ट से बाहर तो नहीं जा रहे हो इस क्वेश्चन में, यू आर रिमेनिंग विद इन द चार्ट, हाँ ना, जवाब दो, यस सर, यस सर, ओके, तो आपका स्केल बदल रहा है? नहीं, देखो हम उसी चार्ट पे हैं, वही स्केल है, वो 10 मील के अंदर, तो देयर वी कैन डू इट, बट यस यदि बाहर जाता नो, देन यू कैलकुलेट फाइंड द पोजिशन, फिर वो उसको करके करना, is that clear? yes sir now I take you to another question, okay isko baad mein karayenge, pehle ye kiye, note down this question, vessel sharing a course of 140 degrees through sides and island 115 degrees from this is the position of the island 8 miles on her starboard bow, to aapko kya mila hai 8 miles se kya mila hai aapko starboard bow, she then steams 20 miles when the course is a 140, when the celestial observation body worked using dr so much gave a bearing 140 degrees to intercept her, find the ship's position at the time of second observation, पहली
पहली पोजीशन लाइन कहां पे, व्हाट इज द पोजीशन लाइन पहली वाली की, पहले नोट डाउन करो, थिंक एंड लेट मी, कैन यू हियर मी ऑल? ऐसा नहीं कि हम गॉन ऑफ है, नहीं आ रही है सर आवाज आ रही है, वो कई बार बीच में निकल जाते हैं ना, वो कनेक्शन गड़बड़ हुआ पता ही नहीं चलता है। तो वेसल शेयरिंग कोर्स ऑफ 140 डिग्री टू साइड्स एन आइलैंड, ओके ऑन हर स्टारबोर्ड बाउ, 8 miles ऑन हर स्टारबोर्ड बाउ, तो हमको क्या मिला है सर? इंटरसेप्ट मिल गया सर, डीआर 1 mil. इंटरसेप्ट कैसे मिल गया बेटा? इंटरसेप्ट आइलैंड से इंटरसेप्ट मिलता है सर? डीआर मिल गया ना सर, पोजीशन लाइन, पोजीशन लाइन मिली है। पोजीशन लाइन कैसी होगी? आप किसी लाइट का डिस्टेंस लेते तो व्हाट डू यू गेट, ये किसी डिस्टेंस, किसी लाइट का डिस्टेंस लेते तो व्हाट डू यू गेट सर? पोजीशन सर्कल हो गया, पोजीशन सर्किल मिला, तो हमको भी पोजीशन सर्किल मिला है। इसका सेंटर कौन सा है? आइलैंड। आपकी पोजीशन लाइन क्या है, पोजीशन सर्किल क्या है? ये है, दिस इज पोजीशन सर्किल। हाउ मेनी 8 miles का रेडियस, ऑल ओवर यू आर समवेयर ऑन दिस लाइन, ऑन दिस पोजीशन सर्किल। हम जर्नी डिस्टेंस की बात कर रहे थे, उसमें भी पोजीशन सर्किल हम बात बोल रहे थे। यहाँ 8 miles जर्नी डिस्टेंस वी कैन ड्रॉ, बट दिस वी कैन ड्रॉ, 8 miles है, तो वी आर हियर समवेयर ऑन दिस पोजीशन सर्किल, ठीक है? You are somewhere. अब you are steering course of 140. तो आपको when your second observation after traveling how much steaming 20 miles. तो मान लो 20 mil आप course लगाओ 140. आप position circle को transfer करोगे कि नहीं? Can will you not transfer? You have transferred the position circle. मान लो आप यहाँ हो तो यहाँ होगे, यहाँ हो तो यहाँ होगे, यहाँ हो तो यहाँ होगे, यहाँ भी होगे. You are on this position circle. Is that clear? Yes, sir. Is that clear? और फिर से बताऊं सर, सर जैसे पिछले वाले में पोजीशन लाइन ट्रांसफर कर देते थे, यहाँ पे रन पोजीशन सर्कल पे लगा देंगे, पोजीशन सर्कल करेंगे। सेंटर कौन सा है? आइलैंड। हमको चाहिए ना, कैसे हम कौन सा पॉइंट लेंगे भाई, हवी कौन सा पॉइंट हम जानते हैं, हम लाइट वो आइलैंड की पोजीशन लाइन, तो आइलैंड से 8 miles है ऑल ओवर, तो हम इस पे रन लगाएंगे, आइलैंड पे रन लगाएंगे, तो जो आएगा उस पे हम पोजीशन सर्किल पे से ड्रॉ कर देंगे एट द टाइम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन। कीजिए, चलो लेट अस डू दैट, लेट अस डू दिस। चलिए कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। राइट डाउन पोजिशन ऑफ द आईलैंड, ओके पोजिशन सर्किल, रेडियस 8 miles, पोजिशन ट्रांसफर, तो अपना डीलर डिपार्चर लगाइए, कितना डिस्टेंस है? 20 miles। कोर्स क्या है? वॉट इज द कोर्स? कोर्स क्या है? 140, तो लिखिए साउथ 40 वेस्ट ईस्ट। D-LAT जो भी है, write down the D-LAT, you will get departure, convert into D-LAW, या D-LAW होगा ये, you will get position transfer, यहाँ departure, position to transfer the position circle at the time of second observation.
करना थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या हो गया सर, समझ नहीं आ रहा सर। क्वेश्चन लिख लिया है? हाँ सर। ओके लेट अस टेक इट। यू आर डूइंग अ कोर्स ऑफ कितना 140 isn't it? You're doing a सर खुद से होमवर्क में करके आते हैं ये वाला। हाँ हाँ जी क्या बोल रहे हो बता दो सर आप एक बार। ओके यू आर स्टेयरिंग अ कोर्स ऑफ 14 यू मेड एन एक लाइट हाउस की पोजीशन मालूम है हमको लाइट सॉरी आइलैंड की जो आइलैंड है इससे यू एट यू मेक एन ऑब्जर्वेशन जिससे वी गेट 8 miles रेडियस डिस्टेंस कितना मिलता है स्टारबोर्ड साइड्स एन आइलैंड ऑन द स्टारबोर्ड बाउ 8 miles तो आप कहाँ हो बताओ एट द टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कहाँ हो ये आइलैंड है ये कितना दूरी है 8 miles यहाँ 8 miles सब 8 miles वेयर आर यू नाउ पोजिशन सर्कल कहीं हो सकता सर ओके कहीं भी एनी वेयर ऑन द पोजिशन बट वी आर ऑन द पोजिशन सर्कल दैट इज फॉर श्योर देन शी स्टीयर्स ए कोर्स तो आपको पोजीशन सर्किल को ट्रांसफर कर जैसे पोजीशन लाइन ट्रांसफर पोजीशन सर्किल कहाँ से ट्रांसफर करो हमको कोई पोजीशन मालूम होनी चाहिए कौन सी पोजीशन मालूम है हमको कौन सी पोजीशन मालूम लाइट हाउस की सर हाँ लाइट हाउस या आइलैंड जो भी है तो हमने 140 कोर्स है और 20 miles का ये लगा दिया तो यहाँ हमने पोजीशन लाइन ट्रांसफर तो हमने क्या किया डीलेट और डिपार्चर निकाला डीलर डिपार्चर वी गॉट दिस पोजीशन और नॉट बताओ मिल जाएगी पोजीशन टू ट्रांसफर द पोजीशन सर्किल तो क्या होगा यहां से इसमें रन लगाओगे ये डीलेट मिल गया डिपार्चर मिल गया कन्वर्ट इनटू डी लॉन्ग एंड देन वी गेट दिस पोजीशन अब यहां से हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया तो यू आर समवेयर ऑन दिस लाइन आफ्टर द रन यू आर समवेयर ऑन दिस पोजीशन सर्किल और नॉट हमको पोजिशन सर्किल का सेंटर मालूम है तो उसपे रन लगाएंगे तो वी कैन गेट दैट पोजिशन वेयर टू ट्रांसफर द पोजिशन सर्किल उसका सेंटर मिल जाएगा कैसे मिलेगा ये डी लेट और डिपार्चर कन्वर्ट इनटू डी लॉन्ग तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं इसमें लगा दोगे डी लेट और डी लॉन्ग तो मिल जाएगी नहीं आप पोजीशन टू ट्रांसफर द पोजीशन सर्किल हाँ जी सर एट द टाइम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन ओके नाउ वी हैव गॉट द पोजीशन व्हाट इज द पोजीशन टू प्लॉट द सेकंड बिकॉज़ एट द टाइम ऑफ सेकंड व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन उसको लिख लीजिए तो पहले तो ये फाइंड कीजिए व्हाट इज द लैटिट्यूड उसको लिख लीजिए वो पोजीशन जो भी आ रही है दोनों के बीच में डीलेट डिपार्चर निकालिए प्लॉट वन सर्किल ड्रॉ करके पहले वो कर पहले कर पोजीशन ट्रांसफर द फर्स्ट पीयर पोजीशन सर्किल एट द टाइम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखिए कैलकुलेट करो ये समझ में आया कि नहीं हाँ जी सर इसमें जैसे रेडियस 8 है इसका सर्कल का तो वो डीलेट तो उसकी इक्वल ही है नहीं नहीं डीलेट मैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर लिया ना डीलेट ऐसे भी हो सकता है डीलेट यहाँ मैं तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ड्रॉ कर लिया ना मैं तो ऐसे ही खाली एक लाइन खींच दिया आपको आप क्या करोगे इस पे रन लगाओ ये पॉइंट आ जाएगा डीलेट डिपार्चर लेकर के तो यू यहाँ जब आ गया तो आपने सर्किल ड्रॉ कर लिया यू ट्रांसफर द पोजीशन सर्किल एट द टाइम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना दूर 820 miles कितना कोर्स 140 सर शिप की स्पीड तो देनी है तो 20 miles ऑफ मारेंगे ना इसको 20 miles के डिस्टेंस लेंगे ना भाई वहां डिस्टेंस नहीं दिया आपको स्पीड नहीं दी लगा आपको डिस्टेंस स्टीम्स 20 miles हां जी सर ठीक है समझ गया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो उसका दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन वो कहां से ड्रॉ करनी है तो इस पोजीशन से ड्रॉ करनी है सर थोड़ा वो रेडियस कम करेंगे कॉपी में बन नहीं रहा क्या हो गया सर वो रेडियस थोड़ा कम करेंगे क्या कॉपी में बन नहीं पाएगा सही से आप स्केल छोटा कर दो 4 miles का ले लें सर 4 miles कर दो हम देखो हमने ड्रॉ किया है तो वो हम आपको दिखाई देते हैं यहाँ हमने ड्रॉ किया है क्या 172 miles स्केल छोटा कर दो तो भाई दैट रेडियस 4 miles 4 centimeter का होगा है वो 8 miles बिकॉज़ 1 centimeter 2 miles तो ये देखो वी हैव फाउंड द पोजीशन टू ट्रांसफर पोजीशन ऑफ लाइट हाउस ये है
डीलर डिपार्चर लगा है हमको, दिस इज द पोजीशन टू ट्रांसफर द पोजीशन सर्किल एट द टाइम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, इज इट क्लियर सर? एक बार इसका डायग्राम भी दिखा दीजिए। अब आपने ट्रांसफर किया, दूसरा पोजीशन दोनों का डी लेट डिपार्चर निकाला, ये आपका डी लेट और ये डिपार्चर कन्वर्ट डी लॉन्ग है कन्वर्ट इनटू डिपार्चर 8.4 1.32 1 सबका ये आया ओके। इधर से करके लाइए, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है तो नाउ लेट मी गो बैक ओके। हमने पहले देखो 1 cm 2 mi एज यू सेड ना चीज टू द स्केल अकॉर्डिंगली आपके ऊपर, तो हमने इसको पहली पोजीशन हमने इसको पहली पोजीशन लाइट हाउस जो ट्रांसफर किया है पोजीशन सर्किल उसका ड्रॉ कर दिया, ये लैटिट्यूड है ये लॉन्गिट्यूड है ओके। नाउ प्लॉट द सेकंड पोजीशन, कितना डी लेट है 1.32, आपने दोनों का डी लेट 15-16 देखो उसका पोजीशन 15-16 15-18 ओके। डिपार्चर 8.4 डिपार्चर ले लिया, डी लॉन्ग दिया दोनों का पोजिशन का, ये आपका डिपार्चर है, ये देखो ये है आपका डी लॉन्ग कन्वर्ट इनटू डिपार्चर, डिपार्चर प्लॉट करो। कहां से ड्रॉ करना सेकंड पोजीशन, यहां से क्या इंटरसेप्ट है 9.2 वो कैलकुलेशन वाला प्लीज दिखा दो सर। हां जी कैलकुलेशन वाला जहां पे है, एक मिनट निकाल लेते हैं सर। ये सेकंड पोजीशन का हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ना उस पे, अगर इंटरसेप्ट लगाते हैं तो? हाँ इंटरसेप्ट डायरेक्ट मतलब, हाँ पोजीशन सेकंड पोजीशन मतलब, मैं डायरेक्ट में समझा नहीं। जैसे सर हमने उससे वो कोर्स और जो डिस्टेंस दिया 20 माइल्स का लगा के, उसके बाद जो डिस्टेंस मिल जो डीआर मिलेगी उस पे डायरेक्ट लगा सकते हैं इंटरसेप्ट? भाई क्वेश्चन पढ़ो, आप गलत सोच रहे हो, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन कोर्स आप गलत सोच रहे हो। ओके सर, दूसरी पोजीशन की है उस पे लगाना, ठीक है सर। हाँ उस पे लगाना है, डोंट मेक दैट मिस्टेक। यहाँ लिखा है ना पोजीशन ड्रॉ द सेकंड पीएल इंटरसेप्ट सो मच, कितना है ये, व्हाट इज द डी लेट 1.32 नॉट डी लॉन्ग 8.69 कन्वर्ट इनटू डिपार्चर 8.4 ईस्ट। हाँ सर ठीक है समझ गए ओके आगे बढ़े ओके। नाउ जिसको मैंने बताया राइट थंब रूल, जिसको पहले लिखते हो यू ड्रॉ फर्स्ट, बिकॉज दैट गिव्स यू आइडिया नॉर्थ मतलब उसको साउथ में होगा, ये डिपार्चर ईस्ट है तो पहला वेस्ट में होगा, तो हमने उसको यहाँ पोजिशन सर्किल को ड्रॉ कर, लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड हो गया, पोजिशन सर्किल ये 8 miles है, ये 8 miles है आपका, हमने 4 cm लिया है बिकॉज 1 cm 2 mi बाहर जा रहा था पेज के ओके। नाउ लेट अस प्लॉट द सेकंड पोजिशन, पोजीशन ड्रॉ द सेकंड पीएल, हमने डी लाइट कितना 1.32 नॉर्थ, ये आपको पैरेलल होगा, डिपार्चर कितना 8.4 ईस्ट, तो 8.4 ईस्ट में जब किया ये आप कहां से ड्रॉ करना सेकंड पीएल, यहां से इंटरसेप्ट 9.2 अवे 140 तो वो उसका उल्टा लिया, ये अब ये दो जगह काट रहा है। रीड द क्वेश्चन अगेन, यू कुड बी हियर or you could be here, where will you be, ab bataiye ye position circle wo niche wali pe ho kaha sir, niche wale pe honge sir, starboard bow wali sir, ha starboard bow kidhar hai, ek to ye hai isme kidhar pad raha hai, port bow or starboard bow, light house kidhar pad raha hai, I mean the island, यदि ऐसे स्टारबोर्ड बाव दिखेगा सर, स्टारबोर्ड बाव, हां तो स्टारबोर्ड बाव वाला कौन सा, ये वाला है 140 है ना, स्टारबोर्ड बाव इधर है, तो दिस इज योर फिक्स, ये आजीमुत सर 140 दिया था ना, अबे है ना, बट 140 है ना सर, 140 इंटरसेप्ट 140 तो अबे कितना होगा प्लस 180 320 9.2 mi हमने 4 point कितना 4.6 लिया है 4.6 बिकॉज 1 cm 2 mi
जब भी रेंज वाला क्वेश्चन दिया रहेगा दे विल मेंशन पोर्ट बाव और स्टार्बोर्ड बाव, अदरवाइज क्योंकि वो पोजीशन लाइन दो जगह कट करेगी, पोजीशन लाइन दो जगह कट करेगी। इज दैट क्लियर? सबका है ये? सर कर रहे हैं सर बात सर। सर ये डीलेट नहीं समझ आया 1.32 कैसे आ गया? आपका पोजीशन टू ट्रांसफर फर्स्ट फील द पोजीशन दैट विल क्या है 15 डिग्रीज 17.3 मिनट साउथ, लॉन्गिट्यूड क्या है 167 डिग्रीज 28.3 मिनट्स ईस्ट। ये तो पोजीशन टू ट्रांसफर पोजीशन सर्किल एट द टाइम ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एट व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन पोजीशन 15 डिग्रीज 16.0 मिनट्स साउथ, लॉन्गिट्यूड क्या है 167 डिग्रीज 37.0 मिनट्स ईस्ट। भाई हम पहले इसको प्लॉट कर रहे थे, इसको पहले लिखा है। समझ गया ठीक। नॉर्थ हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूड आया जो भी कितना लॉन्ग, ठीक है। अब पोजीशन आ गई, नाउ यू टेक एनी रेफरेंस एंड फाइंड डी लेट। ये डी लेट हमारा 6.6 आ रहा है, आपका डिपार्चर आएगा करीब कितना 1.8 मिनट्स ईस्ट। ड्रॉ करके देखो टाइम हो गया है आप लोगों का, लेकिन अपने आप ही कट जाएगा। कर लो एज लॉन्ग एज यू डू इट। अच्छा somebody has sent me a question, किसने भेजा? सेक्शन कौन सा 9414517938 कोई है यहाँ? anybody? ये फोन नंबर किसका है 9414517938? हाँ जी anybody there 9414517938 ये नंबर है, नाम क्या होगा लेट मी सी। ये सेक्शन बी का, सेक्शन बी का, ओ सॉरी सेक्शन बी का, फ्रॉम सेक्शन बी। हो गया? कैन हियर मी? गायब हो गए? कैन हियर मी ऑल? हाँ जी सर, हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ सर आवाज है। यस सर, वो अभी सर ये क्वेश्चन डाला है मैंने कभी ना ग्रुप में, ये आज आया था एमएमडी में, ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। कौन सा क्वेश्चन ग्रुप में डाले? ग्रुप में डाले सर। एक मिनट देखते हैं कौन सा है। नेविगेशन स्टैगर, ओके। इन डीआर पर 20°30', 179°15' इंटरसेप्ट 65 माइल्स अवे एजीमथ 00 वाज ऑब्टेन्ड बाय ए बाय सेलर ऑब्जर्व, ठीक है। ये किसी और ने भी भेजा। वेसल देन स्टीयर्ड ए कोर्स ऑफ 180°20' लाइन। तो आपका पोजिशन लाइन क्या है? डीआर ये है और आपका जो भी इंटरसेप्ट है कितना 0 0 0, ये है आपका डी आर और 0 0 जो भी इंटरसेप्ट कितना दिया गया 5 माइल्स अवे है ना, ये पोजीशन सर। हाँ ये वाले क्वेश्चन में सर ये डिपार्चर 9 आ रहा है। 9 कैसे आएगा? 1.9 होगा। नहीं ये 8.4 आया ना, ये 9 आया मेरा तो। ये जो कर रहा है इसमें? हाँ सर। एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको निकालने मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन कल है क्लास, तो मैं इसमें बता दूंगा।
जो क्वेश्चन है ये, लेकिन ये जो एक मिनट आपका ऐसे पोजीशन डाला है आपने, ऐसे पोजीशन सर्किट, ऐसे पोजीशन ड्रॉ किया आपने? यस सर। ओके, आपने ये डी लेट लिया 1.32? यस सर। ओके, ये डिपार्चर लिया 8.4? यही बोल रहा हूँ सर, डिपार्चर जो आपने हमने कैलकुलेट किया है तो मेरा 9 आ रहा है। आप जो ड्रॉप ले रहे होगे, डी लॉन्ग ले रहे होगे, 9 आ रहा है डिपार्चर, डी लॉन्ग 9 आ रहा है डिपार्चर। डी लॉन्ग कितना है? डी लॉन्ग कितना है? 8.7 मिनट। नाउ एक चीज देखो, ध्यान रखो कहां आप गलती कर रहे हो। डी लॉन्ग से बड़ा डिपार्चर हो ही नहीं सकता। आपका फार्मूला है डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉज ऑफ मीन लैट। हम यही लैटिट्यूड जो भी है मीन लैट 15.5 अब करके देख लो, तो डिपार्चर इज इक्वल टू डिपार्चर डी कॉज ऑफ मीन लैट, तो डिपार्चर इज इक्वल टू डी लॉन्ग इंटू कॉज ऑफ मीन लैट करके देखो। कॉज की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, बताओ? सही है सर, सही आ रहा है अभी, थैंक यू सर। यहां गलती करते हो, रिमेंबर कभी भी डिपार्चर से डी लॉन्ग से बड़ा डिपार्चर हो ही नहीं सकता है। आपने गलती कर दिया, आपने डी लॉन्ग अपॉन कॉज मीन लेट कर दिया, इसीलिए ज्यादा आ रहा है। ये किया था ना? हाँ जी सर। ये तो जस्ट कीप इट, जो अभी करते करते अपने आप आपको भी आइडिया हो जाए कहाँ गलती हो रही है। ये आपका ऑब्जर्वेशन आ गया आपकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दिया मैं कल क्लास है आप लोगों के साथ, मैं उसमें समझा दूं। Somebody else also absent group B से, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, जस्ट वो हम क्लास में कर लेंगे भाई। ये इंटरसेप्ट, ओके, रन लगाइए आप उसमें, क्या डी आर यूज सेकेंड वॉज कैलकुलेट फ्रॉम रन अप्लाई टू ओरिजिनल डी आर, तो आप इस पे रन लगाइए, एक रन लगाइए आपका, एक कितना जा रहा है यहाँ आया, आप कंसीडर यहाँ से इंटरसेप्ट ऐसे डाल दीजिए और वो पोजिशन कंसीडर डी आर वॉज सेकेंड ऑप्शन, उसको प्लॉट कर दो, तो आप ये कैलकुलेट करो, ये प्लॉट हो जाएगा। आपने सर ये 4 माइल का बनाया है सर्कल? हाँ, ये 4 सेंटीमीटर का है, 8 माइल का है। I have taken 4 centimeter. मतलब आपका ये क्वेश्चन जो भेजा है आपको MMD वाला, वो मैं करा दूंगा, बट दैट्स हाउ इट हैज बीन डन। कल है आप लोगों के साथ क्लास, तो वील डू दैट। ठीक है सर, आज ट्राई करता हूँ, कल करा दीजिएगा, बता दीजिएगा। मैंने बताया ना, क्वेश्चन पढ़ो DR, देखो पहली पोजीशन आप ITC पे रन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे का DR किसे लगाओगे? DR पे जो DR ओरिजिनल DR उस पे रन लगाओगे, उस पे रन लगाओगे, तो दो कैलकुलेशन क्यों करो, सीधे DR पे रन लगाओ और उसके पोजीशन उस पर। Vessel then steamed to course 180 for 20 miles, 090 40 miles. At end of the steaming, a star observation gave azimuth so much 2 miles away, 045 2 miles. Position used for the calculation was initial DR position carried forward after applying run. You will not plot the whole thing. जैसे ये somebody the second कि उसमें यहाँ पोजीशन लेकर फिर यहाँ से रन लगा, ये खाली मैं दिखाने का, आपको ये चार्ट क्रिएट करना है, तो यू विल ट्रांसफर जो भी पोजीशन लाइन यहाँ से ऐसे जो भी आ रही है, इसको यू विल क्लियरेट अ चार्ट, यहाँ से आप इंटरसेप्ट डाल दिए, दूसरा 045 जो भी आ रहा है अवे या फॉरवर्ड जो भी है उसको ड्रॉ कर दीजिए, वो कल करा दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ये करके देख लो अपने आप, इट्स नॉट बिग डील, बहुत आसान सवाल है। ओके सर, थैंक यू। चलो ये हो गया सबका? हाँ जी सर, ये तो हो गया था। चलो गुड, चलो नेक्स्ट वी हैव टुमारो क्लास, उसमें खत्म कर लेंगे उसके।
नाउ वी हैव लेफ्ट विद थोड़ा मून का रह गया जो अगले हफ्ते कर लेंगे, मून एक्लिप्स रहेगा, एक्लिप्स करेंगे और वीनस मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, वीनस एंड मॉर्निंग स्टार मे बी उसके नेक्स्ट वीक कर लेंगे, उसको खत्म हो जाएगा। एनी डाउट और कुछ होगा स्टैगर्ड में यदि होगा एक दो लेक्चर और ले लेंगे इसमें, ऑफ कोर्स स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट मैं करता रहूँगा। ओके अभी तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को कुछ भी समझने में? रिमेंबर एक चीज, आई रिपीट अगेन रिटरेट अगेन, ये चीज ध्यान में रखिए कि डी आर कुछ भी दिया हुआ है, डी आर इज नॉट योर पोजिशन, यू नो दैट डी आर इज नॉट पोजिशन, इट यू आर समवेयर अराउंड दैट। यदि साइट उससे ली गई है, योर ऑनली इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ द डी आर, जो भी है 20 डिग्री नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टाइम ऑफ द डी आर। एंड वंस यू टेक ए साइट, इट ऑटोमेटिक बिकम्स द डी आर फॉर दैट साइट, इज दैट क्लियर? तो आप उसको 1750 के ऑब्जर्व, तो 1750 का डी आर समझोगे, 1800 को भूल जाओगे, ओनली वी आर इंटरेस्टेड इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इज दैट क्लियर? हाँ ना, जवाब दो। यस सर, यस सर। ये चीज बहुत क्लियर, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें सीधे जीरो नंबर मिलेगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, इफ यू अप्लाई रन टू 1800, नो वी हैव टू अप्लाई रन टू 1750 कौन सा उसका डीआर क्या है, जो 20 डिग्री 40 मिनट्स 20 डिग्री एंड 40 डिग्री वेस्ट जो दिया है वो, मैं आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सो यू विल जस्ट इरेज ऑफ दैट 1800 डीआर को, यू ओनली विल टेक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फॉर दैट पोजीशन, ये चीज रखो। एक क्वेश्चन एक दो करा देंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ये भी व्हेन यू डू ये चीज कांसेप्ट, ये गलती हुई कुछ, नो क्वेश्चन जीरो, भले ही आपने सब कुछ रन लगा के सब कुछ किया, बट यू हैव टेकन अ रॉन्ग पोजीशन टू कैलकुलेट दैट, ठीक है? तो दैट शुड बी बॉर्न इन माइंड, ठीक है? चलो आई स्टॉप हियर, 1700 हो गए, चलो ओके बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सर।